फरीदाबाद के 5 नंबर इलाके के आरडब्ल्यू एसोसिएशन ने बिल्डरों द्वारा मकानों को तोड़कर फ्लैट्स बनाकर बेचे जाने के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। 5 नंबर एफ ब्लॉक रिहायशी क्षेत्र में बन रहे फ्लैटों के विरोध में एसोसिएशन ने आज सड़कों पर उतरकर अपना विरोध जताया। स्थानीय लोगों का कहना था कि NIT 5 नंबर में फ्लैट्स बनने से पार्किंग समस्या, सीवर समस्या और पानी की किल्लत लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। फ्लैट्स बनाने वाले बिल्डर के खिलाफ कई बार एसोसिएशन ने नगर निगम में शिकायत भी दी है, मगर अवैध तरीके से बन रहे फ्लैट्स रोकने के लिए नगर निगम प्रशासन ने कोई भी उचित कदम नहीं उठाए, इसलिए एसोसिएशन को मजबूरन सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करना पड़ा। सुनिए क्या कहा 5 नंबर एफ ब्लॉक के निवासियों ने। मैं विजय कथूरिया, आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट 5 एफ ब्लॉक का। हमारे यहाँ पर बिल्डर्स फ्लैट बना रहे हैं, जिससे ब्लॉक वासियों को बहुत समस्या आ रही है। पहली समस्या तो पार्किंग की, और इसके अलावा सीवर की, पानी की, बिजली की समस्या, क्योंकि पानी की पुरानी लाइनें हैं, सीवर की पुरानी लाइनें हैं, जिससे ब्लॉक वासियों को आए दिन रोज़ परेशानी होती है, और हम प्रशासन के चक्कर काट काट के थक जाते हैं, कोई भी सुनवाई नहीं होती। और बिजली के ट्रांसफार्मर पुराने लगे हुए हैं, लोड बढ़ता जा रहा है, ट्रांसफार्मर चेंज नहीं करते, वो समस्या आती जा रही है। और बिल्डर अपने एक एक मकान में 8-8 फ्लैट बना के चले जाते हैं, और जो लेने आता है उनको दिखाते हैं ये पार्क के चारों तरफ पार्किंग है, अपनी पार्किंग बनाते नहीं हैं, वो पार्किंग की समस्या बनी रहती है। आपस में हम ब्लॉक वाले लड़ते रहते हैं, जो नया आता है वो भी बोलता है कि ये ब्लॉक निवासी बहुत गंदे हैं, ये है वो है, क्योंकि वो तो नया होता है, उसको तो पता नहीं है, और आपस में हमारा झगड़ा होता है, बिल्डर पैसा कमा के चला जाता है। तो अभी ये 5F60 में फ्लैट बन रहे हैं, हम इसके लिए हमने 2 बार कमिश्नर ऑफिस में क्या कहते हैं लेटर दिया, लेकिन उसका कोई भी हल नहीं हुआ। तो हमने आज सोचा कि भाई क्यों ना न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम सरकार को या प्रशासन को इसकी खबर दें, और प्रशासन उस पर कोई कार्रवाई करे। मेरा नाम संदीप सेठी, एडवोकेट है, और 5F का रेजिडेंट हूँ मैं। यहाँ पे बिल्डर द्वारा थोक के भाव में फ्लैट बनाए जा रहे हैं। फिलहाल हमने एट प्रेजेंट, पहले भी हमारी 3-4 साल से मुहिम चल रही है, ये हमारे एरिया के पार्षद जी को, कमिश्नर साहब जो इससे पहले भी रहे, सबकी नॉलेज में है, क्योंकि फ्लैटों के कारण पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या होती है। और सबसे बड़ी ये बात होती है कि कोई फ्लैट लेता है तो हमें ये नहीं पता होता कौन है, कहाँ से आए, और कब उनके आवागमन का कुछ आइडिया नहीं होता, जिसके कारण क्राइम की रेशियो भी हमारे खासकर एफ्लाक एरिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। रात को कुछ नहीं पता होता, माहौल ख़राब होता है यहाँ पर, और सबसे सीवरेज की और पानी की, सीवरेज की तो इतनी समस्या है कि बारिशों में तो ये हाल होता है कि यहाँ तालाब बना होता है, क्योंकि सीवरेज ओवरफ्लो हो रहे हैं, और पुरानी पाइप लाइनें आज से 50 साल पहले की हैं, 60-60 साल पुरानी पाइप लाइनें हैं। पानी की भी सेम यही हाल है, रिन्यूअल आने के बाद भी वो ट्यूबवेल हमारे, ये बोर तीसरी बार बोर लग रहा है, क्यों उसका रेशो यह है कि जिस हिसाब से वो बोर लगता है उस हिसाब से यहाँ अकोमोडेशन नहीं है, अकोमोडेशन डे बाई डे बढ़ रही है। जिस तरह से आपने नॉर्म्स की बात करी है, इस इलाके में जितने भी बिल्डर्स हैं वो कितना नॉर्म्स के हिसाब से चल रहे हैं? देखो सर, ये तो आप भी जानते हो और एडमिनिस्ट्रेशन भी जानता है और सारी पब्लिक जानती है। हमारा आज आपसे रिक्वेस्ट है मीडिया से कि भाई मीडिया बंधुओं से खासकर, क्योंकि जो आवाज़ हमारे थ्रू, हमारी आवाज़ वो पहुँचा सकते हैं, किसी को पावर नहीं है, क्योंकि मीडिया एक ऐसी है कि वो चाहे तो सरकार को गिरा दे, चाहे तो सरकार को बना दे। तो हमारी मीडिया बंधुओं से ये स्पेशल रिक्वेस्ट है कि हमारी एफ ब्लॉक रेजिडेंट की आवाज़ वहाँ तक पहुँचाए, एडमिनिस्ट्रेशन जो सोया पड़ा है, क्योंकि ये हमारी आज की नहीं, ये हमारे पूरे NIT की प्रॉब्लम है। बलवंत कौर बेटा ये 5F60 में 16 में मकान बन रहे हैं, मकान पर 12-14 फ्लैट बन रहे हैं, और इसकी इतनी समस्या, आप मेरे घर 5F67 में जाके देखो, बारिशों में मेरा अंदर पानी जाता है, बेडों तक पहुंच जाता है, सारे बेड मेरे ख़राब हो गए हैं, पिछले अब बारिशों में पानी चला गया, इसी वजह से कि एक ही उसमें मकान में 18 फ्लैट बने, और बाहर वाले आदमी वो लेकर चले जाते हैं, बिल्डर अपना कमा के चला जाता है, समस्या हमारे लिए छोड़ जाता है। बेटा हम तो यहीं पुराने, मेरी शादी यहीं पर हुई है, 40 साल हो गए मुझे यहाँ आए हुए, अब कल के आए हुए वो हमारे बाप बनते जा रहे हैं यहाँ के, जो नए लोग आते हैं, हाँ, क्राइम भी होता है, हाँ, तो वो ऐसे बड़े बनते जा रहे, तो कब तक हम सहन करते रहेंगे बेटा? मैं 5F ब्लॉक का महासचिव हूँ। ये कई सालों से, पिछले कई वर्षों से देखा जाता है कि बिल्डरों द्वारा या नगर निगम के मिली भगत से फ्लैट बना के चले जाते हैं, ना कोई ये कॉरपोरेशन के नियम अनुसार बन रहे हैं, और ना कोई ये पार्किंग की व्यवस्था करते हैं। इसके बाद जो रिजल्ट ये होता है, ब्लॉक निवासियों को पार्किंग समस्या, सीवेज लाइन, बिजली की समस्या में जूझना पड़ता है।
तो हमने दो बार कमिश्नर आयुक्त को हम नगर निगम को लेटर दे चुके हैं, अभी तक उसने भी कोई कार्रवाई नहीं की। और हम ये चाहते हैं कि आपके माध्यम से ये हमारी आवाज़ नगर निगम के उच्च अधिकारियों तक पहुँचे, ताकि ये जो भी मकान हमारे ब्लॉक में बन रहे हैं बिल्डरों द्वारा बनाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर बनाए कॉरपोरेशन के नियम के अनुसार से बनाए। गुरजीत सिंह बांगा सर, क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, ये स्टील पार्किंग बना रहे हैं, इसमें ये दुकानें क्यों निकाल रहे हैं? प्रशासन क्या कर रहा है? ये दुकान है ये दुकान है भाई साहब, पार्किंग नहीं है, दुकान है, प्रशासन सो रहा है जी। स्टील इसके बाद कहाँ तक उठाई थी? ये सीए विंडो तक पहुँच चुकी है बात, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। 6-7 एप्लीकेशन लग चुकी हैं। क्या लगता है कि इसकी मिली भगत, प्रशासन की मिली भगत और क्या? लोगों का विरोध देखते हुए वहीं मौके पर स्थानीय पार्षद सरदार जसवंत सिंह भी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने बुझाने लगे। वहीं बिल्डर भी इस मौके पर आ पहुंचा और लोगों को समझाने लगा, लेकिन लोगों ने उनकी एक भी नहीं मानी। वहीं स्थानीय पार्षद सरदार जसवंत सिंह ने भी बिल्डर को खूब खरी खरी सुनाई। सुनिए क्या कहा सरदार जसवंत सिंह ने। के एज एक जनप्रतिनिधि होने के नाते इस एरिए में मैंने महसूस किया है कि पूरे एरिए में इस तरह की जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये एक बड़ी खतरनाक अधिकारियों की, और ये जो नगर निगम कर्मचारी जो हैं, अधिकारी लोग हैं जो, और एक बिल्डर किस्म के लोग और ये अजगर किस्म के लोग, ये पूरे जो ऐसे निगल लेना चाहते हैं सबको, और इसको पूरी तरह ये समाज में जो है इस तरह के ऐसे अवैध निर्माण जो होते जा रहे हैं, और इसकी एक बड़ी ज़बरदस्त जुगलबंदी है इनके आपस में, जिससे जो हो रहा है। और ये पूरी बार बार मैं अपने वार्ड में इस बात के लिए बार बार हाउस में भी इस बात को जिक्र किया है कि हर आदमी जो भी काम कर रहा है अपनी एक बिल्डिंग बनाने वाला, वहाँ के रहने वाले लोगों को सबसे पहले ध्यान में रखें, ताकि वो बना के वहाँ जहाँ लोग रहेंगे, सीवर पानी ये सभी समस्याएँ जो बड़ी ज़बरदस्त हैं, पार्किंग की इस समय पूरे एरिया में पूरे शहर में पूरी बड़ी ज़बरदस्त समस्या है, और ये मैं समझता हूँ 5 नंबर में सबसे ज़्यादा बिल्डिंगें बन रही हैं, और ये कौन बना रहा है, कैसे बना रहे हैं, ये मुझे नहीं पता, और ये मैं हैरान हूँ। मैं हाउस में बार बार इस बात का जिक्र किया, कई ऐसी बिल्डिंगें हैं जो बाहर सड़क के ऊपर ज़मीन को घेर के बनाई जा रही हैं, और ये बनती हैं, कोई रोकने वाला नहीं। मैं हैरान हूँ कि कैसी समझ ये है व्यवस्था को कर दिया हमारे सरकार के नुमाइंदा हैं, लेकिन क्या है कि जो नहीं हो पा रहा इस तरह। मैं ये सरकार की हम चाहते हैं, हमारी सरकार एक बड़ी पारदर्शिता लाना चाहती है, हर काम में ठीक करना चाहती है, लेकिन ये जो एक जुगलबंदी है उन अधिकारियों की, जो एक जनप्रतिनिधि तक की आवाज़ को भी अनदेखा करते हैं, अनसुना करते हैं, जिसकी वजह से ये समस्या है। और मैं इस बात को अब अच्छी तरीके से डंडे के जोर से मैं इस बात को उठाऊंगा, अपनी ये समस्या हाउस में भी इस बात का जिक्र करेंगे, और ये जो है इसको जैसे भी ये अवैध निर्माण जिससे आम लोगों की दिक्कत हो रही है। आरोप लगा रहे हैं कि मकान जो है जिस तरीके से बनाए जा रहे हैं वो गलत तरीका है, क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्डर हैं आप, ये मकान गलत तरीके से नहीं बना रहे हैं। सबके साथ पहले बातचीत मेरी हुई है और इनको बताया हुआ कि मैं पार्किंग दे रहा हूँ, इनकी पार्किंग की समस्या, मैं पार्किंग वाला काम कोई नहीं कर रहा, परेशानी वाला बस छोटी बात। जिस तरीके से एक कुछ मकान भी बता रहे हैं साथ में डैमेज हो रहे हैं, उनको भी क्या? कोई मकान डैमेज नहीं हुआ, जरा सा भी नुकसान होगा तो उसका मैं जिम्मेवार हूँ, उसको बोला किसी का जरा भी नुकसान होगा तो मैं जिम्मेवार हूँ। तो पूरे नियम और कायदों से हाँ बिल्कुल बिल्कुल।